राजस्थान के डीडवाना जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग बकाया टैक्स राजस्व को लेकर कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग बकाया वसूली के लिए अभियान चलाकर वसूलने का काम करेंगे। वहीं जिला परिवहन विभाग ने मालिकों की जमीन चिन्हित कर तहसीलदारों को सूची भेजी है, जिसके बाद के लिए नोटिस भी भेजा गया। बताने के PSC 2017-18 में 39 और CLG 2018-19 में 20 वाहनों का टैक्स और राजस्व बकाया चल रहा है। वहीं विभाग अब बकाया राजस्व वाले 59 वाहनों की 21 लाख की राशि और राजस्व वसूलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। PSC 2017-18 और CLG 2018-19 के विभिन्न पैराज में हमारे यहाँ पर कुल 39 और 20 वाहनों की वसूली बाकी है, जिसमें कुल 21 लाख रुपए बकाया है। ये वाहन सामान्य तौर पर सड़क पर चलते अभी नहीं पाए जा रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये सड़क पर हमें नहीं मिले, और ऐसी जानकारी हमें मिली है कि वाहनों को खुरदुरुस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे विभाग का जो बकाया है उसकी वसूली के लिए हमने LR एक्ट में कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसके तहत हमने श्रीमान तहसीलदार को, जिले के विभिन्न तहसीलदारों को लिखा है, वाहन स्वामी की अचल संपत्ति का ब्यौरा उनसे मांगा है। ये ब्यौरा मिलने के पश्चात हम तहसीलदार के माध्यम से LR एक्ट में कार्रवाई करेंगे, जिसके तहत इन लोगों की जो जमीन है उसको कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।